गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है मेरी? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही ऑफिस से आया। आज गुरुकुल में बड़ा हैक्टिक डे था, कुछ नई चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। और अभी मैं एक बच्चे का मैसेज पढ़ रहा था कि पहले मैं 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहा था, आज पोमोडोरो टेक्निक की वजह से मेरी पढ़ाई जो है वो 6 घंटे तक पहुंच रही है। वंडरफुल, इस तरह के मैसेज बहुत हिम्मत देते हैं कि हम जो टेक्निक आपको सिखा रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आ रहे हैं। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। रेडी हैं? क्योंकि पेन और पेपर मुझे दोनों चाहिए, और उम्मीद करूंगा कि आवाज़ मेरी एकदम क्लियर आ रही होगी आप सभी दोस्तों को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप जानते हैं, क्या आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे बताएं, वॉइस है? सर वॉइस नहीं आ रही है, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट, शुरू करते हैं। हेलो हेलो, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? बच्चे कह रहे नहीं है, नो वॉइस। चलिए दोस्तों, ये सब तो होता रहता है। हाँ जी बताएं, क्या है? अब चलिए दोस्तों, आज बहुत मुश्किल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वॉइस क्लियर है अभी आपको? चलिए, शायद आवाज़ की दिक्कत थी, क्योंकि आज मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। हाउ आर यू ऑल? वॉइस ठीक है अभी? ऑल ओके, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो आज जो हमारी क्लास है, द इंडिया वे की क्लास, अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया कि रेगुलर नहीं हो पा रही है, या कुछ ऐसा कुछ बोला उसने कि इंटरेस्ट खत्म हो गया है। कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट खत्म हो गया तो इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि मैं इंटरेस्ट जनरेट करने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने आता हूँ। और जैसा कि आप सभी मेरे दोस्त जानते हैं कि ओजांगा इस अकेडमी ने कुछ अचीव किया है। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था एक कैंपस बनाने का, जहाँ मैं उस वैल्यूज को लेकर आ सकूँ जो मेरी पूरी फैमिली, ओजांग फैमिली, वो बिखरी हुई थी कोविड के दौरान। और कुछ दिल्ली में, कुछ नेहरू विहार में, कुछ अलग जगहों पे, मैं नोएडा में, तो ये सब कुछ मैंने इकट्ठा किया और गुरुकुल का एक नया कैंपस नोएडा में डेवलप किया। और एक वैसा कैंपस जैसा हम चाहते थे कि वो ग्रीन हो, क्लीन हो। आप उसकी वीडियोस भी देख रहे हो, अगर आपको पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करें। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद अपने आप को उस क्लास में बच्चों के साथ बैठने से रोक नहीं पाया, क्योंकि बड़ा ड्रीम, एक इमेजिनेटिव क्लास थी कि मतलब मुझे ऐसा बनाना है, और मैंने आप लोगों के प्यार की वजह से बना लिया। इस चीज़ को बनाने के दौरान मुझे बहुत पेन से गुजरना पड़ा, मुझे समय का पता ही नहीं चला कि क्या। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले, हार्डली 15-20 मिनट पहले, मैं अभी घर में एंटर करता हूं और मैं वहां से क्लास ले रहा हूं, क्योंकि पूरे दिन भर सेटअप के साथ अभी हम नए किस्म का हॉस्टल बना रहे हैं, एक ऐसा हॉस्टल। क्योंकि रीज़न ये है कि दिल्ली में तैयारी के दौरान बच्चों को बहुत सी समस्याएँ आ रही हैं, जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बाढ़ की प्रॉब्लम आई, घरों में गंदा पानी गया, आग की समस्या। तो हम वो सारे स्टैंडर्ड जो है वो लेकर आ रहे हैं, हम सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता है कि वो चीज़ें बनाने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, लेकिन वो चीज़ें हो गई, आज बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनको एक अलग फीलिंग आ रही है नेचर के बगल में। और जो गुरुकुल की परंपराएं हैं उनको स्थापित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो मैं तमिलनाडु की क्लासेस में पढ़ाता रहा, वो पढ़ाने के दौरान जो गुरुकुल की जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत गहराई से मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया।
तो ये सब कुछ अकेले मैंने किया, पूरी क्लासेस चलती रहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं हुआ, और इसलिए सारी जिम्मेदारी मुझे अकेले पे थी। तो मैं कोशिश करता रहा कि मैं अपनी चीज़ों को सही से जो है वो चीज़ें डिलीवर कर सकूं। सो अब फिर से हम शुरुआत करते हैं और अब एक तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग आज की द इंडिया वे की क्लास में। द इंडिया वे एस जयशंकर की बड़ी प्यारी किताब, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और ये किताब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट कर रही है। और जितने भी चैप्टर्स हमने देखा, पहला चैप्टर जहां मैंने आपको बताया कि अवध की सीख शतरंज के खिलाड़ियों से शुरुआत हुई थी, तो एक बड़ा ही जबरदस्त जो है वो एक बदलाव हमने किया, हमने समझा। आज की डेट में एस जयशंकर से बेहतरीन कोई अथॉरिटी नहीं है फॉरेन पॉलिसी को समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि इससे पहले अच्छे फॉरेन मिनिस्टर नहीं हुए या विद्वान लोग नहीं हुए, लेकिन इस संसार में कुछ बदल रहा है, और इस बदलाव को समझने के लिए, पुरानी अवधारणाओं को छोड़ने के लिए हमें कुछ नए इंसाइट्स की जरूरत पड़ती है। न्यू इंसाइट्स, वी ऑलवेज नीड दैट न्यू इंसाइट्स। वो न्यू इंसाइट्स हमारी जो है वो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये जो बुक है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच क्रिएट करती है, एक नया जो है वो रास्ता देती है, और जो इन्होंने किताब का नाम रखा द इंडिया वे, वो बहुत सही तरीके से जस्टिफाई होती है। तो ये जो क्लास है वो उसी पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि बदलाव का जो एक दौर है, बदलाव की जो चीज़ है, वो एस जयशंकर से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं समझा सकता। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की जो क्लास देखी होगी, मात्र 299 रुपए की क्लास थी, 600 रुपए की तो किताब है, तो आपने वो बदलाव महसूस किया होगा। बहुत सी चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है, जैसे मैंने पानीपत सिंड्रोम के बारे में बताया। आज मैं आपको एक नए वर्ड से फिर परिचित कराने जा रहा हूं, और मैंने आपको बताया कि आज का जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल अलग है। बहुत बदलाव के दौर से हम यहां से गुजर रहे हैं, और दुनिया बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है, तो आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा खास होने जा रहा है। समझने के लिए रेडी हो? राइट, पेन और पेपर तैयार है? सो शुरुआत करते हैं द इंडिया वे की क्लास की। राइट, सुशांत ने पूछा है तमिलनाडु की क्लास क्या है। तमिलनाडु की क्लास वो क्लास है जहां मैं इतिहास पढ़ाते पढ़ाते रिसर्च की उस गहराई में चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला समय का, और मैं बहुत 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 रिसर्च के साथ चला गया। शायद वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस अगर मैं अपनी लाइफ में कहूँ कि मैंने किसी को पढ़ाया है, आफ्टर द सेवन स्टोरीज ऑफ इकोनॉमी, और सेवन स्टोरी ऑफ इकोनॉमी का जो क्रिएटिविटी है वो तमिलनाडु की क्लास में बहुत हाई लेवल पे चली गई थी। चलिए, तो फिर हम शुरुआत करते हैं इंडिया वे की, और बहुत ही खास क्लास है आज की। आज की क्लास में एक नया इंसाइट है, बहुत समय बाद, इतनी किताबें पढ़ने के बाद, लगभग कई फॉरेन मिनिस्टर्स को मैंने पढ़ा, बहुत ही फॉरेन पे, फॉरेन जो हमारे सेगमेंट्स हैं उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी। बहुत समय बाद कुछ पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये हमारी चीज़ है, ये एक नए भारत की तस्वीर है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं आज हमारा बेसिकली फंडामेंटल क्या है। सो आज की क्लास में आपको बहुत नई नई चीजें मिलेगी। तो इन्होंने जो इसका नाम रखा है द कृष्णा वे, यानी कि जो कृष्ण की अवधारणा से, देखो चैप्टर की शुरुआत भी ये बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं, और आप समझने की कोशिश करना कि आपको ये कितना कुछ सिखा रहे हैं। और मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि कृष्ण का विकल्प, अब यहां पर हम बात करते हैं श्री कृष्ण का विकल्प, बड़ा प्यारा जो है इन्होंने यहां पर राइटिंग की है, और बहुत सोच समझ के चैप्टर्स के नाम रखे हैं। एक उभरती ताकत की कूटनीति संस्कृति, बड़े दिन बाद किसी ने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को जो है वो संस्कृति यानी कल्चर के साथ जोड़ा है। राइट, जबरदस्त तरीके से ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। और श्री कृष्ण का विकल्प यानी कि ऑप्शंस फ्रॉम द कृष्णा, तो कृष्ण का इन्होंने नाम क्यों किया, चैप्टर की शुरुआत इन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर इन्होंने बातचीत करते हुए क्यों कही, और इन्होंने कहा कि जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम कूटनीति यानी डिप्लोमेसी वर्ड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। बड़ी गहराई से एक एक शब्द को समझना। और क्या सिखाया था शुरुआती क्लास में तुम्हें, क्योंकि ये आईएफएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, आपके यूपीएससी को इन्होंने क्रैक किया था, इनकी जो इनकी फैमिली में देश को सर्व करने का एक बड़ा जज्बा, एक जुनून है। तो ये जयशंकर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो सवाल यहां पर यह हो रहा है कि इससे पहले मैंने आपको एक कुछ चीजों की जब शुरुआत की थी, और आज उसी का एक एक्सपेंशन है। बड़ी प्यारी लाइन से वो अपनी बात कहते हैं द स्ट्रेटजिक कल्चर ऑफ ए राइजिंग पावर। और जब ये बात कहते हैं स्ट्रेटजिक कल्चर, संस्कृति को लेकर आते हैं, कल्चर के लेकर बात करते हैं। अब सवाल यह है कि हम विदेश नीति या कूटनीति में हम देश की संस्कृति के बारे में बात क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं,
ऐसा क्या बदलाव हो रहा है जिसके बारे में हमें बात करना है? हम फॉरेन पॉलिसीज में हम बेसिकली कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं, कुछ फैंसी वर्ड्स की बात करते हैं, हम कुछ ऐसे काल्पनिक चीजें, कुछ आदर्शवादी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस देश की संस्कृति के बारे में एस जयशंकर ने क्यों लिखा? क्या इसके पीछे कुछ कारण है? और वो रेफरेंस बड़ा प्यारा लेते हैं, बहुत प्यारा रेफरेंस है, आप चाहो तो लिख लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रेफरेंस भी बड़ा प्यारा है, राइट? हिंदी में भी हम लिखेंगे, अ नेशंस ए नेशन दैट डज नॉट ऑनर इट्स पार्ट्स हैज नो फ्यूचर। गोथे ने ये बात कही है, यानी जो देश अपने अतीत का सम्मान नहीं करता, प्लीज ट्राई टू राइट, बहुत प्यारी लाइन है, और ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, हो सकता है एस्से में आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं ये बहुत प्यारी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं अ नेशन दैट डज नॉट ऑनर इट्स पास्ट हैज नो फ्यूचर, बड़ी प्यारी किताब है। जो देश अपने अतीत का सम्मान नहीं करता, एस जयशंकर अपनी किताब में लिखते हैं, जो देश अपने अतीत का सम्मान नहीं करता उसका कोई भविष्य नहीं है, गोथे ने यह बात कही थी, इसको कोट करके लिख लो, एग्जाम में आपको पता है कोट से क्वेश्चन आते हैं, जो देश अपने अतीत का सम्मान नहीं करता उसका कोई भविष्य नहीं है। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, तुम लोग क्लास में हो, इंटेलेक्चुअल लोग हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तुम्हें क्या लग रहा है? मैं सबसे जानना चाहता हूं इस स्टेटमेंट में, अ नेशन डजंट ऑनर इट्स पास्ट, जो अपने अतीत का सम्मान नहीं करता उसका कोई भविष्य नहीं होता, हैज नो फ्यूचर, राइट? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें क्या लग रही है, मुझे बताओ, तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या नजर आ रही, क्या चीज है जो तुम्हें लग रहा है कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? एवरीबॉडी, सभी लोग, चलो, और हिमांशी ने अपना जवाब दिया, वंडरफुल। किसी ने लिखा नेशन, किसी ने लिखा ऑनर, किसी ने लिखा पास्ट, किसी ने लिखा ऑनर, आप क्या सोचते हैं? फ्यूचर, कल्चर, संस्कृति, पास्ट एंड फ्यूचर लिंक, और कम ऑन एवरीबॉडी, जॉम्बी तो नहीं हो ना? बताओ जरा, देखें कि तुम्हारे सामने की स्टेटमेंट है तुम इसको कितना समझ पाते हो। देखते हैं, कम ऑन ट्राई एवरीबॉडी, एवरीबडी मस्ट ट्राई इट, एवरीबडी मस्ट ट्राई इट। किसी ने लिखा ऑनर अवर पास्ट, गुड, ट्राई ट्राई ट्राई, कम ऑन एवरीबडी, कम ऑन। देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, नहीं तो भूल जाऊंगा, बहुत से बच्चे कुछ कह रहे थे। इस संडे को, ठीक है, 6 अगस्त को दिन में 1 बजे गुरुकुल 3.0 के लिए ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, जी हाँ, ध्यान रखिएगा, गुरुकुल 3.0 बैच के लिए ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऑनलाइन होगा, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप पर ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होने जा रही है, और जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे उनको गुरुकुल की फीस में 50,000, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्काउंट वहां मिलने जा रहा है, जो एक बेहतरीन मौका है गुरुकुल में जुड़ने का, 50,000 रुपए तक की छूट हो रही है। कैसे ये टेस्ट लेना है, कैसे इसमें अपियर होना है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750711100 या 2233444 या 55 लास्ट में आप यूज कर सकते हैं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल, या यहां फॉर्म भी भर सकते हैं, अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप फॉर्म भी भर दें कि यस आई वॉन्ट टू अपियर इन द ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट गुरुकुल 3.0 बैच, और जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ सीट लिमिटेड है, तो उनको 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, विच इज अज वन, ह्यूज वन, और ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, क्योंकि नए कैंपस पे जो है हमने गिफ्ट किया है, तो ये नए कैंपस की खुशी में सभी को 50,000 जो स्कॉलरशिप टेस्ट में अपियर होता है और शुरुआत में अच्छे मार्क्स लेकर आता है उसको 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट है। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बाद समझते हैं, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जानते हो क्या है, चलिए, और वो है इट्स। न पास्ट, न ऑनर, न कल्चर, न नेशन, न फ्यूचर, कुछ नहीं, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़े ध्यान से सुनना, मेरा डिस्कशन आज इसी पे होने जा रहा है और बड़ा गहरा डिस्कशन है, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इट्स। इट्स क्योंकि अरे आपने इसको क्यों चुना, जी हां इट्स, क्योंकि भारत के नजरिए से ये बिल्कुल अलग है। भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया, डिफरेंट जो है वो अलग अलग संस्कृतियों ने शासन किया, तो भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही भिन्न संस्कृति है, बहुत ही अलग चीजों के साथ मिली हुई है,
और दिक्कत ये हुई कि जब हमारे ऊपर कॉलोनी यानी जब अंग्रेजों ने शासन किया, जब यूरोपियंस ने शासन किया, तो उन्होंने हमारे पूरे इतिहास को ही बदलने का प्रयास किया। उन्होंने हमारा इतिहास अपने तरीके से लिखा, यानी कि हम कभी गर्व न कर सके। मैकाले ने पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया और जेम्स मिल ने पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया, इन लोगों ने डेवलप किया। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो इतिहास की किताबें लिखते समय कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। आज भी वो ये कहते हैं कि भारत में राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं है, स्टेट नेशन जैसा कॉन्सेप्ट तो फॉरेन से आया। तो हम कौन थे जिन्होंने गणराज्य बनाए थे, हम कौन थे जिन्होंने जो है जनपद हमारे यहाँ हुआ करते थे, हमारे यहाँ सभा और समितियां हुआ करती थी, राजा भी जो है वो जो अपने सभा और समितियों से पूछ के निर्णय लिया करता था, राजा एब्सोल्यूट नहीं था, मोनार्की उनके यहाँ थी, वेस्टर्न हमारी मोनार्की उस तरह से नहीं थी, राजा सभी चीजों का मालिक नहीं था, राजा के भी धर्म थे, हमारे यहाँ राजधर्म हुआ करता था। बड़े ध्यान से मेरे डिस्कशन को समझने की कोशिश करना, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने समझा है वो है इट्स, यानी उस राष्ट्र का अपने अतीत के बारे में। अब पता चला कि मैं अपने अतीत, आप लोगों ने जाता, लोगों ने कहा कि पास्ट की नॉलेज होने चाहिए, पर जब मैं अपने अतीत पे जाता हूं तो मेरा क्वेश्चन होता है किसका अतीत, किसका अतीत? हम भारतीयों का अतीत तो यूरोपियंस ने लिखा है। अगर मैं सही हूं तो प्लीज मुझे यस लिख के भेजें, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा जो अतीत है वो तो अंग्रेजों ने हमें लिख के दिया। उन्होंने बताया कि देखो आर्यंस बाहर से आए, द्रविड़ियन को कुचला, जाति प्रथा ऐसी बना दी, फलाना ऐसा कर दिया, देखो हमने तुम्हें सिखाया लोकतंत्र क्या होता है, हमने तुम्हें बताया कि फलाना चीज क्या होती है, हमने तुम्हें बताया ढिकाना चीज क्या होती है, तुम तो राष्ट्र थे ही नहीं, तुम तो काले लोग थे, ब्राउन लोग थे, हमारे पास व्हाइट मैन बर्डन था, तुम्हें हम आके राष्ट्र सिखाया। अच्छा तो राष्ट्रकूटों ने जब राष्ट्र, जब आपका कल्चर, आप जो चमड़ा पहन के घूमते थे नंगू पुंगू होके, तो आप मुझे बताइए आपके पास कोई सभ्यता नहीं थे, जंगलों में आप घूमते थे, तब हमारे यहाँ राष्ट्र की अवधारणा हुआ करता था। आज भी आप दक्षिण भारत से लेकर कहीं भी चले जाइए, आप आचार्य 326 BC में भी जब आचार्य की बात करते हैं तो वहां भी आप अखंड भारत का जो है वो नक्शा देखते हैं, अखंड भारत शब्द से परिचित होते हैं, और वहां पर राष्ट्र जो है वो हमारे प्रशासन की इकाई हुआ करती थी। तो आप जब जो है वो जब कबीले के रूप में थे, अभी आप कुछ समय पहले इस दुनिया में ढंग से आए इज्जत के साथ, और आप जो है वो हमें बता रहे हैं कि नेशन का कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है। तो मेरे साथ एक बड़ी जबरदस्त चीज बताना, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है। और एस जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जब हम अतीत की तरफ जाते हैं, अब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए, इन्होंने बताया कि देखो तुम्हें हमने बोलना सिखाया, इन्होंने बताया, जब ये व्हाइट मैन्स बर्डन की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि जो सफेद आदमी है, जो यूरोपियन आदमी है, वो पूरी दुनिया का भार अपने सर पे लेटा हुआ, नहीं तो ये अफ्रीकन इंडियन ये सब असभ्य लोग हैं, ये सपेरों के लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनके यहाँ जादू टोना होता है, इनके यहाँ जो है वो जो है भूत प्रेत होता है, देखो हमने इनको साइंस सिखाया। तो वो कौन थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी, वो कौन थे जिन्होंने खगोल विज्ञान में पाई की गणना कर डाली थी, वो कौन थे जो सूर्य ये बताता जब तुम्हारे यहां कॉपरनिकस को, इस रेनासा से पहले आज से मात्र 400 साल पहले एक व्यक्ति आकर खड़ा होता है और वो कहता है कि सूर्य केंद्र में है और ग्रह चारों तरफ घूमते हैं, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, उस कॉपरनिकस को जिंदा जला दिया। और आप हमें सिखाते हो कि ज्ञान विज्ञान आप लेकर आए, आपका ज्ञान विज्ञान 450 साल पुराना हार्डली है, और सूर्य सिद्धांतिका में हमें श्लोक ऐसे ऐसे बताए गए कि जहां पर हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तक कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सूर्य सिद्धांतिका यानी सूर्य ही हमारे सौर मंडल का केंद्र है, किताब का नाम हमने उस पर रखा, और आप हमें बताते हैं कि ज्ञान विज्ञान आपने हमें दिया है। महर्षि कणाद ने कणों के सिद्धांत को लेकर चीजें बात कर दी, घाघ भड्डरी से लेकर हमारे यहां तो महाकवि कालिदास जब लिखते हैं मेघदूतम में, तो आपका साइरस क्लाउड, आपका निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, इन सब की बखान करते हुए सौंदर्य तक चले जाते हैं। वो कहते हैं विज्ञान हमारे लिए छोटी चीज है, हमने तो विज्ञान में सौंदर्य ढूंढ लिया, जिस विज्ञान को आप नीरस सब्जेक्ट कहते हैं, बोरिंग लोगों का सब्जेक्ट कहते हैं, उस विज्ञान में उन्होंने नायिका की सुंदरता देख ली, नायिका के कमर में पड़ी हुई करधनी को बादलों के साथ तुलना कर दी। इस तरह का महान साहित्य था हमारे देश में, और आप कहते हैं, आप ये बात हमसे कहते हैं कि हमने आपको ज्ञान दिखाया, जिस देश में इतनी भाषा, इतनी बोली, इतनी तरह की विविधता, और वो एक राष्ट्र के रूप में साथ चल रहा है, और आप हमें सिखा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारा है। 400 साल हुआ आपकी, आपको डेमोक्रेसी अपनाए हुए, आप हमें डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं,
जिसकी प्रारंभिक इकाई ही जनपद हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था, गणराज्य हुआ करते थे। गण यानी हमने लोगों को, गण मतलब लोग, विशिष्ट लोग, हमने उनको ही अपनी प्रशासन की जो है वो इकाई बनाया था। लेकिन आज हमें क्या कर दिया, आज हमें हमारी चीजों से काट कर अलग कर दिया। जो आज जो है वो जानता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि गणराज्य शब्द का प्रयोग सबसे करने वाले सबसे पहले लोग हम हैं। हमें हमारा इतिहास ही नहीं मिला, हमें हमारा इतिहास ही नहीं मिला। तो एस जयशंकर साहब कहते हैं इट्स, यानी राष्ट्र को पहले तो खुद की संस्कृति ढूंढनी पड़ेगी, इस पर्दे को खोलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये पर्दा नहीं हटाओगे तब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं आएगा। चैप्टर बड़ा ही खूबसूरत शुरू किया है, देख के मैं फैन हो गया, मजा आ गया लिखने वाले को। एस जयशंकर साहब की जितनी तारीफ की जाए, एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट, एक बेहतरीन विदेश मंत्री, और क्या भारत की संस्कृति के साथ उन्होंने अपना दिल निकाल कर रखा है और एक नई इंसाइट दी है। और मुझे लगता है कि हर यूथ को इस इंसाइट को समझना चाहिए कि ये क्या चीज है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे तब तक आप कभी गर्व नहीं कर पाओगे, और जब गर्व नहीं होगा तो इस संसार में निर्वात कुछ नहीं है। एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, साइंस कहता है। तो अगर गर्व नहीं होगा तो वहां निर्वात नहीं, कुछ नहीं, जैसी कोई चीज नहीं होती है, वहां शर्म होगी। और यकीन मानिए आज 90% से ज्यादा भारतीय अपने ही संस्कृत पर शर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रूट्स नहीं पता। वो ये सोचते हैं कि हमारे यहां पीपल के पेड़ को पानी देना एक दकियानूसी अंधविश्वास की चीज है। लेकिन थोड़ा सा विज्ञान अगर वो समझ पाते, इट्स कल्चर, अपने स्वयं के कल्चर को समझ पाते, उन्हें समझ पाते कि हमारे पुरखों को यह बात बहुत पहले पता थी कि पीपल का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे सकता है, और हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। वो ये जान पाते कि हम जो कान छिदाते हैं या माथे पे टीका लगाते हैं ये अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत उच्चतम बिंदु है जो भौतिक विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता। वो ये बताता है कि ऊर्जा केंद्र को किस तरह स्पंदित किया जाता है, किस तरह वाइब्रेट किया जाता है, यानी रेजोनेंस। क्वांटम लेवल की फिजिक्स हमें उस समय पता थी जो ये दुनिया क्वांटम के बारे में जानती नहीं थी, राइट? ये है संस्कृत। तो आप जब नहीं जानोगे तो फिर कहेगा आई यू पीपल, यू पीपल, पीपल की पूजा करता यू पीपल, शर्म आएगा। अरे नहीं नहीं सब दकियानूसी। फिर हम पिक्चरें बनाते हैं, उसमें हम अपनी चीजों का मजाक उड़ाते हैं, फिर हम अपनी चीजों पे शर्म करते हैं, फिर हम जब शर्म आती है तो हम छोड़ देते हैं उसे और जो मिलता है उसको अपना लेते हैं। और इस अंधी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें खत्म हो गई। एस जयशंकर साहब हमसे यही कहते हैं, और एग्जाम्पल भी बड़ा खूबसूरत सा देते हैं, सुनो और समझो, दिल तक पहुंचे तो पसंद करना। वो कहते हैं कि जरा एग्जाम्पल दे दो, चैप्टर का नाम कितना खूबसूरत रखते हैं, और कहते हैं वाई, मैंने पूछा कि वाई कृष्णा, कृष्ण की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण जो है वो मानव के समस्त रूपों के साथ जुड़े हुए योगेश्वर है, वो 16 रसों के मालिक है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। तो भगवत गीता में जब बात आती है, जब कृष्ण की लीला देखते हो तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण प्रेम करता है, वो रास रचाता है, वो संगीत का सम्राट है, वो बांसुरी बजाता है तो पूरी प्रकृति आह्लादित हो जाती है। लेकिन वही जब बात कहते हैं युद्ध क्षेत्र में खड़े होके, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम हि धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, जब वो पूरे जोश के साथ ये बात आती है कि जब जब इस संसार में धर्म का नाश होगा, अधर्म की पराकाष्ठा बढ़ेगी, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पुनः जन्म लूंगा। और वो एक ऐसा युद्ध करते हैं जहां रक्तपात भी है, यानी समस्त 16 कलाओं के जो स्वामी हैं वो कृष्ण है। यानी यहां पर जो संदेश दिया है जयशंकर साहब ने, कितना जो है एक बहुत जटिल, एक बहुत बारीक एग्जाम्पल दिया है कि जब आप अपनी विदेश नीति बनाते हैं, जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्टैब्लिश करते हैं, तो आप केवल आदर्श और सिद्धांतों पर नहीं बना सकते। आदर्श और सिद्धांतों में जब गांडीव रख दिया धनुर्धारी अर्जुन ने कि मैं अपने जो है लोगों पर बाण नहीं चला सकता, उनके मैं प्राण नहीं ले सकता, तो अपना विराट रूप दिखाया कि ये देख अर्जुन कि मुझसे ही जन्म है, मुझसे ही मृत्यु है, सब कुछ मेरे मुंह में समाया है, सब कुछ मुझ में समाया है, इस मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही संहारक हूं, मैं ही उद्धारक हूं। और संसार को गीता का ज्ञान दिया, गीता यानी भगवत गीता, भगवान के मुंह से निकला हुआ गीत,
और वो सिर्फ गीता नहीं था, वो ये बताना था कि एक मनुष्य कितने द्वंद्व से गुजरता है, कितने जो है वो लड़ाई से गुजरता है, और आपको लड़ने के लिए हमेशा सिर्फ प्रेम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी आपको युद्ध भी करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वही सही। और धर्म का मतलब यहां रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब होता है वो जो आचार है, वो जो नियम है, यानी कि जिसके हिसाब से मानव अपने उच्चतम मार्ग पर जा सकता है वही धर्म है। ये वेस्टर्न से आया है कि रिलीजन और धर्म को हमने एक साथ मना दिया। जिस चीज को, जिस पूजा पद्धति को, जिस ईश्वर की इबादत करने का, खुदा की इबादत करने का तरीका, वो धर्म नहीं, वो पंथ है। याद रखिएगा, पंथ व्यक्तिगत है, धर्म सार्वजनिक है। धर्म जो है वह सामाजिक एक जो कहते हैं लाइन ड्रॉ करता है, एक ऊंचाई लेकर आता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कितना खूबसूरती से चैप्टर का नाम रखा, यानी वो कहते हैं कि भारत में ही इतनी महत्वपूर्ण चीजें मौजूद हैं, इतनी महत्वपूर्ण चीजें मौजूद हैं जो संसार में कहीं नहीं है। लेकिन वो कहते हैं पूरी दुनिया, आगे लिखते हैं कि होमर के महाकाव्य की बात करता है कि होमर ने इपिक लिखा। क्या लिखा इपिक? क्या महाभारत से बड़ा कोई इपिक हो सकता है? वो मैकियावली का जिक्र करते हैं, पूरी दुनिया मैकियावली के पीछे पागल है, द प्रिंस उसकी जो किताब है, कि मैकियावली ने क्या राजनीति का सिद्धांत दिया। अरे मैकियावली का राजनीतिक सिद्धांत तो आचार्य चाणक्य के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। पूरी की पूरी चीज उठाकर कॉपी कर ली, लेकिन कॉपी करते समय भूल गया कि आचार्य चाणक्य ने जब राजनीति की बात की थी तो वहां पर सभी के धर्मों को स्थापित किया था। वहां बताया था कि राजा का क्या धर्म होगा, राजा कर कैसे वसूलेगा, वैसे ही वसूलेगा जैसे मधुमक्खी फूलों से उसका रस निकाल लेती है, जिससे किसी को कोई हानि नहीं होती है। उन्होंने सबके लिए नियम बनाए थे। जहां मैकियावली शासन में क्रूर था, वहीं आचार्य शासन में नीति, समानता और व्यवहार सबको लेकर आ चुके थे। लेकिन हम पूरी दुनिया में जाके देखते हैं तो पूरी दुनिया में होमर के बारे में बात होती है। व्हाट अ एपिक, व्हाट अ एपिक। हम भारतीय चिल्लाते, ओह माय गॉड, आई रियली लव एपिक, आई रियली लव होमर, इलियड इज माय वन ऑफ योर, भले चाहे एक पन्ना ना पढ़ाओ। लेकिन संसार का सबसे विराट, सबसे बड़ा और 16 रसों से भरपूर, 16 रस, प्रेम, विभत्स, श्रृंगार, सब कुछ इसके अंदर शामिल है और 16 रसों से युक्त, हम उसके बारे में नहीं जानते। तो जब हम जानते नहीं है तो हम उन्हीं की बात सुनेंगे, वो जो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, रामायण जैसा संस्कृत में लिखा हुआ महाग्रंथ, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस रामचरितमानस में लिखा एक कितनी सुंदर तरीके से कि जन जन में वो चला गया। आज हमारे ही देश में रामचरितमानस को लेकर इतना विवाद है, लेकिन किसी ने कहा कि काव्य की दृष्टि से ये कहां पहुंच गया? ना सह रोग हरे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा। कितने सुंदर तरीके से आप इसको गा सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ईश्वर की वंदना कर सकते हैं। संसार में इससे बड़ा महाकाव्य आप किसको लेकर आएंगे? लेकिन हम अपने देश में इस चीज को लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी काव्यतम गहराई की तरफ हम कभी नहीं जा पाए। कितना आश्चर्य है इस पे, कितना आश्चर्य है। तो अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो वो कहते हैं कि आपके पास, इन्होंने एक दो मैसेज दिए। पहला कि हम क्यों नहीं गर्व करते अपनी चीजों पे। गीता प्रेस को जो है गांधी शांति पुरस्कार देने की बात हुई, पूरे देश में बवाल मच गया। वो राष्ट्र जो अपनी ही धरोहर पे शर्म करता है, वो विदेशी को दे देगा लेकिन अपने देश की चीजों पे देते समय उसको शर्म आती है। वो राष्ट्र कभी भी पूरी दुनिया के सामने एक साथ नहीं खड़ा हो सकता। और दूसरा मैसेज ये देते हैं कि जब हम विदेश नीति अपनाते हैं तो हमें मैकियावली की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। हम मैकियावली के सिद्धांतों को ना पालन करके अपने ही राष्ट्र के सिद्धांतों को पालन करें, योगेश्वर के केवल मैसेज को पालन कर ले, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये किसी रिलीजन का ग्रंथ नहीं है, ये मानव की उन्नति का ग्रंथ है। ये मानव के अंदर का द्वंद्व है, जो उस द्वंद्व की लड़ाई है सभी के साथ होता है। जो रिलीजन है वो एक आवरण है जो हमने ओढ़ लिया है, लेकिन अंदर हम वही हैं, लड़ाई सिर्फ वही है, वही पाप, वही पुण्य, वही हारना, वही जीतना, वही मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच, यही तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। और क्या बैठा हुआ है? तो ये सभी के लिए है। वो कहते हैं कि जब विदेश नीति में जाओ, कूटनीति करो। योगेश्वर ने बिना हथियार उठाए महाभारत का युद्ध करा दिया, जो इस धरा पर पूरा पाप था उसको खत्म कर दिया।
कूटनीति का प्रयोग किया। जब बात आई कर्ण पर बाण चलाने की, अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। कर्ण ने कहा, हे धनुर्धर, अगर लड़ना है तो रथ पे रथ चढ़ के लड़। इस श्राप के कारण मेरा पहिया धस गया, तो कृष्ण का यह मौका दोबारा नहीं आएगा। याद कर, जब अभिमन्यु को मारा गया था तब इसका धर्म कहां चला गया था? जब द्रौपदी की साड़ी खींची गई तब इसका धर्म कहां चला गया था? कहां चला गया था इसकी नीति और इसकी युद्ध नीति के बारे में? तब उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल होकर सोचा करो। एस जयशंकर साहब कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में भी प्रैक्टिकल होकर सोचने की बहुत आवश्यकता है। याद करिए 1947 भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और उसके बाद कबीलों ने चढ़ाई कर दी। हमारे प्रधानमंत्री कहां चले गए? यूनाइटेड नेशन। प्रॉब्लम हमारी थी। और यूनाइटेड नेशन कब बना था? 1945 में। मुझे एक बात बताओ, मैं आज तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। 1947 में आपका विभाजन हुआ, आपकी समस्या थी, आपकी इंटरनल प्रॉब्लम थी, आप एक दो साल पुरानी संस्था के पास क्यों चले गए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए? और आज हमारे सर पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बैठा हुआ है। आज तक कौन सा ऐसा राष्ट्र होगा कि अपने दुश्मनों को सीमा से खदेड़े बिना सीज फायर करा ले जाए? अरे सीज फायर तो तब होता है जो हार रहा होता है वो सीज फायर के लिए जाता है, और जो बड़ा है, जो जीत रहा है, जिसके जीतने की संभावना है, वो सीज फायर क्यों कराएगा? मुझे बताओ, कहां ऐसा हुआ है कि जीतने वाला सीज फायर के लिए, यानी वो युद्ध विराम की बात करता हो? जब अर्जुन ने कहा मैं नहीं अपने बांधवों को मार पाऊंगा, अपने भाइयों को मार पाऊंगा, तब भगवत गीता का ज्ञान दिया कि तुझे मारना होगा। तुम्हें कहां लग रहा है ये मारे गए? ये कब जन्मे थे? ये कब मरे थे? नैनम छिंद्रंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदंति आपो, न शोषयति मारुता। अरे आत्मा अजर है, अमर है, ये सिर्फ शरीर को छोड़कर इधर से उधर जा रही है, और क्या है ये? तो यहां पर जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी समझा के मुझे दिखाइए कि दो साल पुरानी संस्था पर, वैश्विक संस्था पर आप इतना यकीन कर बैठे। अरे पुरानी होती, 50-60 साल उसका काम हुआ होता, जो सारा सेगमेंट है वो कर लिए होते। 1945 में तो यूनाइटेड नेशन बना और 47 में भारत का विभाजन हुआ। तो आप अपनी समस्या को यहां निपटाने की बजाय आप चले गए यूनाइटेड नेशन और उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। आप जीतने वाली पार्टी थे और आपने सीज फायर करा दिया। कर क्या रहे थे आप? 1962 में आप हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और अक्साई चीन का इलाका पूरा दे दिया। तो मुझे लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात है आपको अपनी लीजेसी के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस रूप में हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र की ताकत क्या होती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और सोचते हैं। वो कहते हैं कि संसार में होमर के बारे में बात हो रही है, द प्रिंस के बारे में बात हो रही है, महाभारत के बारे में बात क्यों नहीं होती है? हम 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, हम बात करना शुरू कर देंगे तो ये दुनिया बदल के रह जाएगी। और कोई ये कह दे कि ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है, ये किसी और धर्म के लोगों की बात नहीं आनी चाहिए, तो एक बार वो इंडोनेशिया की तरफ देख लेंगे, एक बार वो इंडोनेशिया की तरफ देख लेंगे, जहां का जो राष्ट्र धर्म है वो अलग है, उनका जो राष्ट्रीय पंथ है वो अलग है, लेकिन वो भी अपने प्राचीन प्रतीकों को कभी नहीं छोड़ते। रामलीला में किसी भी पंथ के मानने वाले व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं, वो गरुण के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्र की पहचान अपनी संस्कृतियों के साथ होती है, पांथिक जो है वो पहचानों के साथ नहीं हो सकती। आपका कोई भी मजहब हो, आपका कोई भी पूजा करने का तरीका हो, जो राष्ट्र होता है वही हमें वो जमीन देता है। इस बात को याद रखिएगा। कहते हैं आगे, आज की दुनिया बिल्कुल बदल गई है। क्यों वो कृष्ण की बात करते हैं? क्योंकि कृष्ण ने बहुत कॉम्प्लेक्स अपना व्यक्तित्व दिखाया। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण रास रचा रहे हैं, वो यशोदा नंदन है, लेकिन जब वो देवकी नंदन हो जाते हैं तो संसार का सबसे भीषण युद्ध करा देते हैं, लेकिन जब वो युद्ध कराते हैं तो स्वयं हथियार नहीं उठाते, स्वयं सारथी बन जाते हैं, घोड़ों का रथ पकड़ लेते हैं। जो तीनों लोगों के राजा है, जो सब कुछ, जहां से जन्म है, जहां से मृत्यु है, वो व्यक्ति हथियार नहीं उठाता है। वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को उपदेश देता है, धर्म का उपदेश देता है, जो आने वाली मानवता के लिए एक रास्ता हमें दिखाता है। गहराई समझिए इस बात की। तो आज की जो जियोपॉलिटिक्स है,
कहते हैं चैलेंजेस फॉर द ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी वैश्विक जो राजनीति है उसके सामने बड़े चैलेंजेस आ गए। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी बहुत खूबसूरत क्लास होने जा रही है, बड़े ध्यान से पकड़ के बैठना, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। कहते हैं कि चैलेंजेस बहुत भयानक हो चुके हैं। पहला, विश्व बहुध्रुवीय, बताया था ना मल्टीपोलर हो गए, तो क्या एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल दिया था मल्टीपोलर वर्ल्ड में, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यहां मुखौटों के पीछे मुखौटे होते हैं, कभी तुम चीन से लड़ रहे होते हो, कभी व्यापार कर रहे होते हो, कभी अमेरिका चीन में तनातनी होती है, कभी एक साथ चलने लगते हैं, कभी रशिया भारत का सबसे बड़ा दोस्त हो जाता है, चीन के साथ बैठ जाता है, पाकिस्तान की मदद करता है। इस समय पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपना हित साध रही है। दूसरा, बैलेंस ऑफ पावर, शक्तियों का संतुलन ठीक नहीं है, किस तरफ करवट लेगा, क्या हो जाएगा, अचानक से कौन सी नई विचारधारा आ जाएगी, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और क्लैशेस ऑफ वैल्यूज आ गई है, यानी मूल्यों में टकराहट आ चुकी है। हम आज हर तरीके से अपने अपने मूल्यों की तरफ भागे चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारत के एक राज्य में घटना हुई जहां पर यह मूल्यों का टकराव ही है, मूल्यों का टकराव है और कुछ नहीं है, और यह पूरे दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, यह बात आप समझ लीजिए। और यहां जयशंकर साहब दो पावर्स के बारे में बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, अभी जो सारा डिस्कशन हुआ था उस समझना, जो इट्स वर्ड मैंने कहा था उसको प्रूव करने जा रहा हूं, अच्छा लगे तो मुझे जरूर लाइक भेजना कि सर हां आपने प्रूव कर दिया और मजा आ गया। सिंपल सा कहते हैं, राइज ऑफ टू पावर्स, दो शक्तियों के उदय की बात करते हैं, दो शक्तियों के उदय की बात करते हैं, जिसमें पहली शक्ति है चीन की शक्ति। चीन का जो उभरना है, इससे पहले की क्लास में बताया था डेंग ने क्या बेवकूफ बनाया, कैसे इससे पहले की क्लास में जो मैंने आपको द इंडिया वे में पढ़ाया था, क्या बेवकूफ बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा गोल गोल घुमाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। और चाइना में मैंने आपको बताया था अमेरिका में दो तरह के पावर्स होती हैं, कौन कौन सी, नए नए वर्ड सिखाता हूं इस क्लास में, एक होती है डीप स्टेट और एक होती है लाउड स्टेट। दो स्टेट सिखाई थी और उसकी डीप स्टेट इतनी खतरनाक होती है जिसकी कोई हद नहीं। अभी आपने डीप स्टेट का एक नया कारनामा सुना कि जो बाइडेन जो वहां के राष्ट्रपति बूढ़े हैं, सिर्फ वो फेस हैं, और उसके पावर्स को निरस्त करते हुए पेंटागन जो उनकी सैन्य शक्ति है, जो उनका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसने उस पावर को नलीफाइड कर दिया। पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी चुने हुए व्यक्ति की पावर समझाने वाला व्यक्ति, इराक पे बम गिराने वाला व्यक्ति, ईरान को तबाह करने वाला, सीरिया लीबिया को तबाह करने वाला, वो राष्ट्र आज अपने साथ क्या खेल खेल रहा है कि चेहरा कोई और है, मोहरा कोई और है, पावर किसी और के पास है, इज इट डेमोक्रेसी, वो हमें समझाने चला है डेमोक्रेसी, पूरे समय डेमोक्रेसी का झंडा लिए घूमता है और आज उसके ही चुने गए राष्ट्रपति की बात पेंटागन नलीफाई कर देता है, पेंटागन नलीफाई कर देता है, क्योंकि उनका डीप स्टेट बहुत पावरफुल है, सिखाया था और एग्जांपल के साथ। और उस डीप स्टेट के मुंह पर आज तक किसी ने तमाचा मारा है तो सिर्फ चीन ने मारा है। लेकिन तुम्हें यह जानना पड़ेगा ऐसा क्या हो गया चीनियों को, इतनी बड़ी शक्ति उनको मिली कहां से, यह जानना, यह समझना बहुत जरूरी है कि चीन का उभरना पूरे दुनिया में एक जबरदस्त चीज है, बड़ी जबरदस्त चीज है। चीन ने उस उभरने के लिए नैरेटिव इस्तेमाल किया। नैरेटिव का मतलब होता है कि मैं कैसा हूं इस बारे में बार बार बोलना। एक हर राष्ट्र का अपना एक नैरेटिव होता है, जैसे अमेरिका का नैरेटिव डेमोक्रेसी है। अमेरिका डेमोक्रेसी को इतनी बार रगड़ता है, इतनी बार घिसता है कि वो नैरेटिव क्रिएट हो जाता है। नैरेटिव का मतलब होता है एक ऐसी आभासी शब्द का प्रयोग कि इसके बिना तो ये चीज संभव ही नहीं हो पाएगी। तो अमेरिका ने नैरेटिव गढ़ा कि वही जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा झंडा बदार है, वही सबसे बड़ा जो है फ्लैगशिप लेके चल रहा है, और इस डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए उसने जाने कितने राष्ट्रों को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही जैसे कि यूरोपियन ब्रिटिश लोगों का, जो यूरोपियन लोग थे उनका नैरेटिव था कि वो पूरी दुनिया को राष्ट्रवाद सिखाने आए हैं, मानवतावाद सिखाने आए हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन। क्या था उनका नैरेटिव कि हम श्वेत लोगों को ईश्वर ने जो है वो एक जिम्मेदारी दी है कि दुनिया भर के जितने काले और असभ्य लोग हैं इनको चलो और इनको सिखाओ, इनको सभ्य बनाओ। अच्छा, न तुम्हारा डीएनए इतना पुराना है, न तुम्हारा कल्चर इतना पुराना है, तुम्हें कब ईश्वर ने बोल दिया कि जाओ और पूरी दुनिया के काले और जो है जो ब्राउन लोग हैं, भूरे लोग हैं, उनको जाके सिखाओ और उनको गुलाम बनाओ। सिखाने के चक्कर में तुमने उनको जंजीरों से बांध के खरीदने और बेचने की चीज बना दी, तुम दास प्रथाओं के साथ चले गए, तुमने नैरेटिव एस्टैब्लिश किया व्हाइट मैन्स बर्डन का,
कि ये जो ये अपना राष्ट्र नहीं चला सकते, अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकते, जब बेटा तुमने जो है वो छाल पहनना ढंग से सीखा नहीं था, कपड़े तो तुम्हें नसीब बहुत बाद में हुए, वो कॉटन तुम हमसे लेकर गए, जब तुमने कपड़े पहनना ढंग से नहीं सीखा था मेरे बच्चे, तब जाके जो है हमारे पास जो है गणराज्य का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हम सोने के सिक्के ढालते थे मेरे बच्चे, जब तुम जो है अपनी खालें जो है वो जो जानवरों की खालें पहनते थे वो तुम्हें ढंग से सिलना नहीं आता था, समझे। तो चाइना ने एक बहुत बड़ा नैरेटिव गढ़ा पूरी दुनिया में, और बड़ा जबरदस्त नैरेटिव गढ़ा, किसी भी राष्ट्र को अपना एक नैरेटिव गढ़ना पड़ता है, दुनिया इस नैरेटिव को सुनती है, दुनिया इस नैरेटिव को फॉलो करती है, दुनिया इस नैरेटिव पर विश्वास करती है, और जो आप स्तंभ के साथ, ताकत के साथ, प्रमाण के साथ बार बार पूरी दुनिया को नैरेटिव बताओगे, पूरी दुनिया उस नैरेटिव को फॉलो करेगी, याद रखना। और चीन ने अपना नैरेटिव बताया कल्चरल हेरिटेज, और पूरी दुनिया में अंदाजा लगा के देखो, मेरी बात को प्रमाणित मैं करता हूं, पूरी दुनिया में चाउमीन बहुत चाव से खाई जाती है, क्या ये हमारी थी? आज किसी गांव के भी मेले में चले जाओ तो मेले में एक ठेला होगा और उस पर क्या होगा, दैट धबाधब चाउमीन तड़ा जा रहा होगा, ये हमारा खाना नहीं था। आज सबसे ज्यादा सभी जो है कुंग फू एनिमेशन, कुंग फू पिक्चर, कुंग फू जैकी चैन, ब्रेटली, पता नहीं कौन कौन सब कुंग फू। तुम्हें कभी पता चला कि कुंग फू चाइना का है? तुम्हें बिल्कुल पता था, शाओलिन का जैसे नाम आया, अरे शाओलिन कल्चर है, एक एक को पता होगा, अरे लोग बात करते हैं, अरे शाओलिन कल्चर। तुम्हें कलारी पट्टू के बारे में पता है? तुम कभी ढूंढोगे तो कुंग फू का जन्म जो है वो भारत से होकर गया है, कलारी पट्टू से हुआ है। तुम्हें अपने मलखंब, तुम्हें अपने कलारी पट्टू के बारे में कभी पता चला कि वो किस तरह से होता है? कुंग फू में ये यहां करते तुम्हें घूमोगे। तुम्हें ताइची पता है, तुम्हें तमाम तरह की चीजें पता है, तुम्हें कलारी पट्टू नहीं पता है, तुम्हें मलखंब नहीं पता है कि इन सब चीजों का जन्म भारत में हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अपना नैरेटिव स्थापित नहीं कर पाए। आज हॉलीवुड इंडस्ट्री में चाइना के लोगों का कब्जा है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवीज, एक पूरा ऐसा दौर था कि सक्सेसफुल मूवीज केवल चाइनीज लोगों के हाथ में थी। उन्होंने अपने सिर्फ कुंग फू के दम पे, उस रहस्यमय शाओलिन के दम पे पूरी दुनिया के मार्शल आर्ट पे कब्जा कर लिया था। चाहे वो मार्शल आर्ट का मार्केट हो, चाहे वो किसी भी चीज का मार्केट हो, पूरा का पूरा चाइनीज के पास चला गया। नैरेटिव होता है। कहां गया हमारा कलारी पट्टू, कहां गया हमारा मलखंब, कहां गए हमारे पास 12 तरह की मार्शल आर्ट विधाएं थी, आज कहीं नहीं सिखाया जाता है। अब जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला, नहीं तो हर कोई कराटे, ताइकांडो, चिल्पो यही सब सीखता था। हमारी कौन सी कला है, मार्शल आर्ट है, हमें पता ही नहीं था इस बारे में। और यहीं से वो कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा इट्स कल्चर। बुरा मत मानना, लेकिन आपको भी नहीं पता होगा, बुरा मत मानना, क्योंकि हम भारतीय सिर्फ शरीर से भारतीय हैं, ना हमारा अध्ययन भारतीय है, ना हमारी सोच भारतीय है। हम सिर्फ इस राष्ट्र से कुछ मांगने के लिए आए हैं कि पैदा हुए हैं तो नदी मिल जाए, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, जमीन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए इस राष्ट्र में। लेकिन हम भारतीय कभी रुक के सोच नहीं पाए कि हम इस राष्ट्र को क्या दे रहे हैं। अरे सबसे पहला काम था कि हमें हमारी संस्कृति से परिचित होना चाहिए। हमें अपना अध्ययन, दिन भर रील्स के ऊपर जो है अंगूठा फेरते रहते हैं, कौन कितने कम कपड़े पहन रहा है वो उतना ज्यादा फेमस हो रहा है, कौन कितनी गालियां बक रहा है सोशल मीडिया पे वो उतना ज्यादा, कौन कितनी गंदी वाहियात हरकतें कर रहा है वो आगे जा रहा है। लेकिन हम रुक कर नहीं सोच पा रहे हैं कि हम अपने समय को अपने राष्ट्र के अध्ययन के लिए कितना लगा पा रहे हैं। अरे जब हम अपने राष्ट्र के बारे में जानेंगे ही नहीं तो अपने राष्ट्र के ऊपर गर्व क्या खाक करेंगे, और जब हम अपने राष्ट्र के ऊपर गर्व ही नहीं करेंगे तो हम राष्ट्र के साथ जुड़ेंगे कब, हमारे दिलों में राष्ट्र कहां से आएगा। इसीलिए जब बात में चर्चा करते हो, जानते हो इस गवर्नमेंट में लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तुम इंडियन थे कब, तुम भारतीय थे कब, तुम तो इस देश में रह के इस देश की मिट्टी के ऊपर एहसान कर रहे थे और हर समय ये सोच रहे थे कि अमेरिका का वीजा लग जाए, जर्मनी का वीजा लग जाए, यूके का वीजा लग जाए, डॉलर में पैसा कमाएंगे, कनाडा जाएंगे, डॉलर में पैसा कमाएंगे, यूरो में पैसा लेंगे। तुम अपने राष्ट्र के लिए कभी नहीं रुक पाए, राइट? ये हमारी सच्चाई है। और हम जब मौका मिलता है 15 अगस्त पे गाल पे झंडा बनवा लिया, हाथ में झंडा ले लिया, एक दूसरे को उपदेश देने लगे कि आज तो राष्ट्रीय जो पर्व है, डीपी लगा ली झंडे की, और थोड़ी देर बाद वही प्लास्टिक का झंडा नाली में पड़ा होता। बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। तो चीन ने जो अपना उदय किया, पूरी दुनिया में नैरेटिव बताया और बहुत धमक के साथ बताया, और अपना कल्चरल हेरिटेज, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पूरी दुनिया के सामने लाया।
उसने सिल्क रूट को इतना बड़ा बना दिया कि जिसकी कोई हद नहीं। उसने बताया कि हम व्यापारी थे, व्यापारी रहेंगे। उसने पूरी दुनिया में अपनी जड़ों के बारे में बताया। लेकिन जब इन दोनों राष्ट्रों के बीच में एक अंतर आता है, वेस्ट का यानी पश्चिम का, पश्चिम जो नैरेटिव गढ़ता है, पश्चिम बताता है कि पूरी दुनिया में सब कोई असभ्य था, यही केवल सारा ज्ञान लेकर पैदा हुए थे, सारा विज्ञान इनके यहां, सारा दवाइयां इनके यहां, सारी मेडिसिन इनके यहां, सब कुछ इनके यहां, और ये किसके यहां, ये खुद इनको पता नहीं, ये पूरी दुनिया में जा जाके कब्जा करते घूम रहे थे, राइट। ये सिंपल सा है। तो पूरी दुनिया में वेस्ट ने अपना नैरेटिव करा है, डिक्टेटर ऑफ द ग्लोबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ये इतना पावरफुल हो गया कि पूरी दुनिया में ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी ऐसा होगा तो ठीक है, ऐसा होगा तो गलत है। तो हम भी आजकल वही सब बोलने लगे, हम भी वही चीज करने लगे, हमारे घरों में बैठा हुआ है, इट्स गुड इट्स नॉट गुड। जब अपनी संस्कृत के बारे में बात करो, ओ माय गॉड इट्स सो ओल्ड वैल्यूज, ओ ओल्ड मैन, ओल्ड इंडियंस, हम लोग बोलते हैं। जाओ कभी बहुत सो कॉल्ड हाई फाई फैमिलीज में, आई डोंट लाइक, आई एम सेक्युलर गाय, I don't like all these things. I don't like this holy sholy and all these. ऐसे लोग बात करते हैं, oh my god, so much noise in Diwali, so much pollution. अच्छा, narratives, narratives. They don't know who they are. They pretend who they want to be. वो कौन है वो नहीं जानते हैं, बट वो हर समय दिखाने की कोशिश करते हैं वो क्या बनना चाहते हैं। वो अंग्रेज बहादुर की तरह बनना चाहते हैं, वो यूरोपियन कल्चर, वो अपना टंग ट्विस्ट करके बात करना चाहते हैं, भैया जी गलगप्पा कितने के दिए, और उनको लगता है कि दे आर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, क्योंकि वो हिंदी को, मेरा हिंदी बहुत वीक है, मेरा मराठी बहुत वीक है, इंग्लिश आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश। और वो भी सामने वाला, हाउ आर यू, this is not a proper accent. Accent, your pronunciation is not good. वो उनको उनकी जवान की प्रॉब्लम है, हमारी जवान ठीक है, हम मिर्च खाते हैं भाई, उनके लग जाएगी तो वो, तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, आग पकड़ लेगी, समझा करो इस बात की गहराई में। तो हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि ग्लोबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के ये माई बाप हैं, और सेट कर दिया। देखो डेमोक्रेसी, ओह इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति याद, अमेरिका इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, कभी किताब पढ़े हो चाचा चौधरी, तुम दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, 400 साल तुम्हारी डेमोक्रेसी को हुआ। तो हम गणराज्य, गणराज्य गण को, यानी लोगों को हम जनपद बनाते थे जहां लोगों के कदम पड़ते हैं, तो हम जो है वो झंडूबाम थे। वाह क्या बात है तुम्हारी, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वाह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भैया। तो इन्होंने पूरी दुनिया में, जैसे प्लूरलिज्म एक वर्ड है यहां पे, जयशंकर साहब कहते हैं बहुलतावादी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इंग्लिश में डिबेट करते हैं ना जाके, इंडिया मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म। अच्छा, तुम देखो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े पत्रकार है, हिंदी बोलते समय उनका ना ऐठन होने लगती है, पता नहीं कहां कहां उनको ऐठन होने लगती है। India must respect the concept of pluralism because it's a humanitarian concept, it's a global concept. Kai log ke debate maine sune. Ye hame bata rahe hain ki pluralism inhone hame diya, West ne hame diya. Hame gyan bhi deta, abhi gaye na hamare pradhanmantri America, to ek purv rashtrapati the jo ashwet, pehli baar unko sharam bhi nahi aayi bolte samay ki Bharat ko dharmik sahishrutta ka dhyan rakhna chahiye. Unse poocho tumhare desh mein isse pehle Chacha Chaudhary 400 saal tum kehte ho oldest democracy, tumhe sharam nahi aa rahi tumhare yahan koi jo mahila rashtrapati nahi bani aaj tak? हमारे तो बहुते हैं, तुम्हें शर्म नहीं है चाचा? तुमसे पहले कोई अश्वेत जो है नहीं बना, पूछो तुमसे जरा 50-60 साल पीछे चले जाओ, तुम्हारे यहां अश्वेत जो है उससे नौकरी का, नौकर बनने का काम कर सकते थे, अश्वेतों के पास कोई पावर नहीं थी। आज तुम जाके राष्ट्रपति बने तो दूसरे को तुम धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात करते घूम रहे हो, वंडरफुल, सही जा रहा तुम्हारा तो यार। तो प्लूरिज्म यानी बोलता, अरे तुम्हें पता ही नहीं था तुम्हारे कॉन्सेप्ट के साथ, यही जब कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि भारत कभी राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र का इनका कॉन्सेप्ट है कि सेम एथनिसिटी, सेम रेस, सेम रिलीजन। और हम बहुत पहले आध्यात्मिक हो चुके थे, हम कहते थे नैनम छिंद्रंति शस्त्राणि, नैनम धाति पावका, न चैनम क्लेदंति आपो, न शोषित। हम आत्मा की बात करने वाले, जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे तो शरीर ही सब कुछ है, तुम्हारे तो शरीर ही सब कुछ है। हम आत्मा की बात करते हैं, हम कहते हैं आत्मा अपना वस्त्र बदल रही है, शरीर बदल रही है,
हम उस लेवल पे थे। तो कौन सी आत्मा किस शरीर को धारण करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें तुम प्लूरिज्म सिखा रहे हो, हमें तुम बहुलतावादी समाज सिखा रहे हो, वंडरफुल यार, क्या बात है। हमने कब से ये बात को जान रखा है, और यहां अंग्रेजी में बैठ के इंडिया मस्ट रिस्पेक्ट प्लूरिज्म ऑफ कल्चरल डिवर्सिटी, टीवी उसने से निकाल के मारने का मौका नहीं मिलता, नहीं वही लपड़ याद है जबके, ठीक है कि तुम प्लूरिज्म के बारे में बात कर रहे हो। चार किताबें अंग्रेजी में पढ़ के चले आए जिनके अभी 200-250 साल पुराना ज्ञान है, वो हमें प्लूरिज्म सिखाएंगे। मैं कई बार एक मनी मन सोचता हूं कि ब्रिटेन में इंडिया की डायवर्सिटी लाके रख दो, रोज मारपीट होगी, ले जूता चप्पल होगा, इतनी भाषाएं इनके यहां काले गोरे में, तो इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। ये व्हाइट मैन बर्डन लिए घूम रहे हैं, भारत जितनी विविधता हो जाएगी, जितनी बोली भाषा हो जाएगी, जितना सांस्कृतिक विन्यास हो जाएगा, ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनको किसी बम की जरूरत नहीं, खुद है बम हो जाएंगे ये, समझे। तो ये स्थिति है और हमें ये प्लूरिज्म सिखा रहे हैं। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु। सर्वे मतलब क्या होता है, मतलब इस धरा पे रहने वाला, वसुधैव यानी कि इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। वसुधैव वसुधा पृथ्वी, अरे तुम्हारे पास धारणा कितनी बड़ी है। तो जब तुम्हें पता नहीं था कि इस वसुधा पर अलग अलग जलवायु के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग बोली भाषा। हम ये नहीं कहते तुम शाकाहार करो, तुम मांसाहार करो, तुम जो मन में करो, तुम द्वैत हो, तुम अद्वैत हो। हमारी विचारधाराएं इतनी विविध थी, हर कोई समाहित हो सकता था, इसलिए सनातन था वो। और तुम हमें प्लूरिज्म सिखा रहे हो। कौन सा ऐसा जो रिलीजन होगा जो कहता है कि आप ईश्वर को मानो तो भी इसका पार्ट हो, ना मानो तो भी इसका पार्ट हो, कोई बता दो मुझे। तुम ईश्वर को मूर्ति के रूप में मानो तो भी तुम्हारा स्वागत है, तुम ना मानो तो भी तुम्हारा स्वागत है। द्वैत भी है, अद्वैत भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, कहां इतनी विविधता तुमने देखी होगी। चार्वाक जैसे ईश्वर जो है वो संसारवादी भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, इस लोक को मानने वाले हैं, उस लोक को मानने वाले, और सभी विचारधाराएं चल रही हैं। वैष्णव भी है, शैव भी है, क्या कितना खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि उनको माना, तुम किसी भी रूप में आओ चलो तो साथ। विरोधों को सम्मिलित करना हमने सीख लिया था, और तुमने हमारी जो विविधता थी तो उसको भिन्नता बना दी, और तुमने लगा कि पूरी दुनिया को ज्ञान देते चले गए। और सबसे बड़ी गलती भारत से हो गई, भारत ने अपनी जड़ें छोड़ दी, उनकी जड़ों को पकड़ लिया। तो क्या होता है, वो पेड़ जो किसी और पेड़ के ऊपर अपना जीवन, अमर बेल का नाम सुना है ना, जो परजीवी होती है, जो पैरासाइट होती है, बेल पेड़ के ऊपर लिपट जाती है। तो हम जड़ विहीन हो गए थे, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा। यह हमारी स्थिति है, यह हमारी स्थिति है। और हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, डीपी लगाते हैं, झंडा शेयर करते हैं, फिर अगले दिन झंडू बाम लगा सो जाते, खत्म, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारी स्थिति है। तो नतीजा क्या रहा कि विश्व में जो हमारी जगह होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने जगह मांगी नहीं, हमने कोई नैरेटिव सेट नहीं किया, हम नहीं बता पाए कि हम कौन है। हमने संसार को शून्य दिया, हमने खगोल विज्ञान दिया, हमने योग दिया, हमने आयुर्वेद दिया। चीन अपनी मेडिसिन सिस्टम को पकड़ के बैठा, पूरी दुनिया में तुम जाओगे मूवीज बनती है, उसमें एक जो है वो लामा आता है, वो कुछ कूटता है और वो तुम पिक्चरें देखोगे, वो ऐसे लेप लगाता है और वो ठीक हो जाता है योद्धा। भारत के पास भी सिस्टम था, लेकिन जैसे ही आए, आयुर्वेद असर नहीं करेगा, आई नीड एलोपैथी, एलोपैथी साइंटिफिक है, ये जड़ी बूटी नहीं, हमारी वो जड़ी बूटी हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, बेचारे वो जो हकीम थे, वो उस्मानी साहब, वो दीवारों पे लिख लिख के काम चला रहे थे, रेलवे के स्लाइड में दीवारों में लिख लिख के काम चला रहे, और जो शरीर के सिस्टम पे काम नहीं करी है वो पॉपुलर हो गई। चाइना ने अपनी मेडिसिन सिस्टम को, पिक्चरों में देखो उनकी, एक पुराना योद्धा होता है, कुंफू योद्धा भी उनके पुराने पुराने होते हैं, वो आज के योद्धा पे नहीं बात कर, पुराने पुराने योद्धाओं की कहानी लेकर आते हैं। क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन पिक्चर देखो, नोबेल प्राइज वो ऑस्कर लेके निकल जाती है वो, और तुम यहां जो ढमढम 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 करते घूम रहे हो, राइट। तो ये स्थिति है हमारी। तो यहां ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू
हमें अपनी पूरी दुनिया के सामने अपना नैरेटिव, लेकिन हम नैरेटिव सेट कैसे करें? हमारा तो अपना ही कोई नैरेटिव नहीं है, हम तो जानते नहीं हम कौन हैं। तो हमें अपनी चीजों पे कोई गर्व नहीं है, हम अपनी चीजों के बारे में जानते ही नहीं है। अभी देश में बात कर लो रामचरितमानस, ए रामचरितमानस में स्त्रियों के बारे में ऐसा कहा गया, चार लोग खड़े बट देख रहे बैठा नहीं होना चाहिए, एक बोल के चला गया, जला देना चाहिए, एक करा रहे नहीं पवित्र धर्म। अरे तुम थोड़ा सा इससे निकल के पढ़ो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत के एक महान ग्रंथ को किस रूप से जनश्रुति में बना दिया, जो कॉन्वेंट में पढ़ के आया है। जूलियस सीजर के बारे में, रोमांटिज्म के बारे में बात करो, ओ माई गॉड सो हार्ट टचिंग। अच्छा खिड़की के नीचे खड़ा होकर गाना गा रहे हो, हमारे यहाँ मोहल्ला मोहल्ला में से जो है जूलियस सीजर और तमाम ये लोग घूम रहे हैं, रोमियो जूलियट घूम रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं। जिसने ढंग से जो हिंदी नहीं लिख पाता वो भी कविताएं लिखता रहता है, शायरी लिखता रहता है, तो वो हमारे तो काव्य इस तरह से गली गली घूम रहा है, जबरदस्ती की बात कर रहे हो। तो ये चीजें समझने की चीज है बड़े ध्यान से। हम में से कोई नहीं आज तक किसी ने मेघदूतम पढ़ी नहीं होगी, सुना भी नहीं होगा मेघदूतम। मैंने एक से पूछा मेघदूतम पढ़ी है, ये क्या है सर, ये क्या है सर, इज इट पोएट्री और इज इट प्रोज, गद्य है कि पद्य है? हम सोचो हम कहा उसको जवाब दें, किसने लिखी? जूलियस सीजर पता था उसको, मिल्स एंड बून्स बहुत पढ़े उसने, ठीक है। तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, तो ये इस पे कहते हैं। तो जब हम भारतीय गर्व के साथ अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे कि योग हमारा है, आयुर्वेद हमारा है, संसार को बेसिक मैथमेटिक्स हमने दी है, हम खगोल विज्ञान के जान, तो हम ये संसार हमारी बात सुनेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, समझे बाबू? हाँ आयल मजा आई। तो दो चार क्लास में हिमांशी आदित्य ये आपस में सवाल पूछ रहे हैं, इन्हें मतलब है नहीं है कि मतलब ओजांग सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा इनका अलग है नैरेटिव चल रहा है, ये अलग है क्लास खोल के बैठे हुए हैं। तो कहे यहां आते हो भाई, जब तुम इतना ही विद्वान हो तो दो चार दिन लाइव करा दे तुम्हारी, ठीक है यूट्यूब पे, जब चार से गाली पाओगे तो अपने आप सही हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे ट्रॉल्स बहुत होते हैं, उनको कितना भी कलेजा पाड़ के पढ़ाओ, लाजेंगे पढ़ाते रही हैं लेकिन लेक्चर बहुत देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तो क्या चाहिए था पढ़ाने में? अरे कोनो हाउ वाले सर बहुत मजा देते हैं। अच्छा बेटा तुम यहाँ पढ़ने नहीं मजा लेने आए, तो पूरा देश है मजा ले रहा है, और मजा लेते लेते 1 अरब 40 करोड़ हो गए हम लोग, पता नहीं चला खाने के लिए खाना नहीं है, सोने के लिए घर नहीं है, बिजली नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है, हम मजा बहुत चाहिए तुम्हें बेटा, आए सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, आए बढ़िया लगे रहो। हाँ तो मजा मजा में भैया हम पहले बता दें, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट वेस्ट दे देना, मजा मिलेगा हिया पढ़ना आना गुरुकुल में, ठीक है, नया कैंपस उसकी खुशी में 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट है, ले लियो मजा। 50,000 रुपया में तो अपने सोना बाबू को तो मोबाइल बढ़िया वाला दिला सकते हो, पूरा साल भर का सिम भी रिचार्ज करा सकते, कौन दिक्कत है, बहुत बड़का डिस्काउंट मिला है, ले लेना, ठीक है, चलो। हाँ भैया 17 तारीख से बैच वैच शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ मजा वजा नहीं मिलेगा, यहाँ तेल निकल जाएगा ओजांग सर के साथ, तो परेशान मत होना, यहाँ तो सोने के लिए समय मिल जाए उतना बहुत है तुम्हारे लिए, बहुत सख्त डिसिप्लिन है। तो जो लोग मजा लेने आ रहे हैं जीवन का, वो गुरुकुल में प्रवेश ना लें, ठीक है, हम पहले बता दे रहे, जो गुरुकुल तीसरा बैच है वो शुरू हो रहा है, बोरिया बिस्तर उठाओ जिसको आना है, और जिसको मजा लेना है वो इधर उधर जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जनी पूछे कि जो हिरणवा में रामायण में हिरण में जो सोना लगा था, सोना कहां से आया था? अरे लियो सोना बाबू हमारे देश में कहां कहां नहीं घूम रहा है, व्हाट्सएप उठा के देख लो कितना सोना बाबू हो रहा है, तो सोना है सोना हमारे देश में, कहां कमी है सोने की, ऐसे थोड़ा सोने की चिड़िया कहा गया था, ये देश में शुरू हुआ था, फिर बाबू ने खाया कि नहीं, तो सोना बाबू इसे हमारे देश में पहले से ही था, ठीक है, सोना पहले था बाबू बाद में आ गया। चलो भाई ये वाली क्लास देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो?
2025 के लिए। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं, फॉर्म वॉर्म भर देना। अगर मान लो कॉल वॉल नहीं कर पा रहे, मान लो फोन में जो है बैलेंस खत्म हो गया वहां बात करते करते, तो फॉर्म वॉर्म भर देना इस पे। तो फॉर्म वॉर्म भर दोगे तो हम लोग खुद ही कल आ लेंगे अपने फोन से कि भैया पता नहीं तुम्हारे पास बजट कम हो, बड़ी जिम्मेदारी हो। ठीक है, मान लो तुम कैडबरी 10 रुपए खाने वाले, तुमसे सिल्क आजकल तुम्हें गिफ्ट देना पड़ रहा है कैडबरी वाला, तो तुम्हारा तो बजट वह बिगड़ेगा ही। ठीक है, तो खैर यहाँ फॉर्म वॉर्म जो दिया जा रहा है भर भर देना। जो मेरे साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, गुरुकुल में एडमिशन का तरीका पता है ना, मेरे साथ काउंसलिंग होगी उसके बाद ही होगा, तो जो लोग करना चाह रहे हैं वो कर दे। और इंडिया वे की क्लास जो है मात्र 299 में, हमें पता है तुम्हारी किडनी गिरवी हो जाएगी, लेकिन 299 रुपए की क्लास है मात्र द इंडिया वे। मज़ा बहुत आने वाला है क्योंकि इसमें बहुत नए नए इंसाइट्स हैं, बहुत नई नई चीज़ें हैं। ठीक है, तो जिसकी किडनी गिरवी ना हो रही, बहुत लोग कहते हैं सर बहुत महंगा है, बहुत महंगा है सर। अच्छा जब हम उससे पूछते ही बताओ कि रतिया भर बतियाने के लिए कितने का रिचार्ज कराते, बोलते सर 300 350 का हो रहा है। ठीक है, अच्छा 350 में तुम बतियाते हो, 299 रुपये में पूरा पढ़ने का मौका मिला, उसके बाद कहेंगे सर बहुत महंगा। एक आध तो बोल रहा है सर कर्जा लेना पड़ेगा। ठीक है, हमको बिल्कुल सही बात है, कर्जा लेके तो तुम यहाँ तक आगे बढ़े हो, तो कर्जा लेके तो तुम्हारा बहुत कुछ चल रहा है। तो ये 299 रुपये की क्लास है द इंडिया वे। वो जहाँ एनी टाइम लर्निंग ऐप नाम की एक जो है ऐप है, उसको डाउनलोड वाउनलोड कर लेना, काम चल जाएगा उसी पे। ठीक है, और अगर जमीन वमीन गिरवी हो रखी हो और बताना है इसमें, मान लो तुम्हारे 299 रुपये में किसी किडनी, अच्छा जब आईफोन वहाँ किसी को गिफ्ट लेते देते हो तब जो है इसमें नहीं समझ में आता है। 299 रुपया उधर बोजांग सर कह रहे 600 रुपया किताब है, खरीदते जाओगे। ठीक है, पढ़ोगे तो वैसे नहीं, खरीदते ही हो खाली। कहा कि कमरों में सुंदर लगती ना, जब कोई पहली बार आता तो आई एम रीडिंग द इंडिया वे, वो फैंटास्टिक बुक, हाँ रिटन बाय मिस्टर एस जयशंकर, बहुत बहुत तुम्हें पता है वो आई एफ एस, ऐसे तो बतियाते हो। तो कम से कम काम तो चलो देखो, निकिता बोली 99 में तो बोल रहे थे, काहे नहीं, अरे 99 का तुम 9 रुपया दो। ठीक है, कहीं 1 रुपया ज्यादा हो गया, 10 रुपया पहुंच गई, तो तुम्हारा चाय का जो एक पैसा तो खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हैं तब मिलें। अरे नहीं नहीं 299 पे खर्च मत करना। अरे कैसे कर रहे हो बात यार, हैं खर्च मत करना, 299 इधर दे दोगे तो कैडबरिया सिल्क किसे खिलाओगे हैं? अब फिर इस साल जो है सोना बाबू करोगे, अगले साल उसके वो कई लोग कह रहे हैं ना कि जब तक दिलवा नहीं टूटेगा तब तक आईएएस नहीं बनेगा, तो बहुत लोग तो इसी इंतजार में कर रहे हैं कि बाद में पढ़ाई वढ़ाई होता रहेगा, इंडिया में कहाँ जा रहा है। ठीक है, जयशंकर से फिर किताब पूछ लें, कई लोग तो इसी चक्कर में परेशान है। कई लोग आजकल मीम शेयर कर रहे हैं कि भगवान कोई ऐसा दिल तोड़ दे कि मेरा इंतकाम देखेगी, इसी चक्कर में जो इधर उधर दिल लगाए घूम रहे हैं। चलो खैर कैसे भी वो पढ़ लेना मन करे, और फोन ऑन कर लेना। ठीक है, नंबर वंबर यहाँ बांट देना, करवा लेंगे हम ही लोग, फोन कर लेंगे। अच्छा हाँ, एक और मुसीबत तुम्हारे सर पे है, जो लोग प्रीलिम्स व्रीलिम्स देना चाहते हैं, आरएफआर का बैच है, ठीक है ज्वाइन कर लें। आओ देखो प्रीत पांडे बोल रहे हैं 0 रुपया में, अरे काहे नहीं, हम कह रहे हैं कि तुम आओ एहसान करो हम पे, आओ एहसान करो हमसे, हम ही रुपया लेके जाओ भाई। कहा है कि तुम अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमें सुनने आए हो, तो हम तुम्हारे कर्जदार है भाई, पूरा देश तुम्हारा ऋणी है। या तो उनका फोन नंबर नहीं मिल रहा होगा, नेटवर्क बिजी होगा, या आप जैसे ही किसी अन्य जो है वो टैलेंटेड आदमी से वो अपना समय जो है लगा रहे होंगे। हो सकता है एक साथ कई लोगों मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपका भी उसमें नंबर हो, आप समय दिए, आप आए सुने, क्या हमसे आप पैसा ले जाए, 299 में तो हम आपके कर्जदार हुए ना, आप इतना समय निकाल के यहाँ आए। ठीक है, सोना बाबू का नंबर आपका नहीं मिल रहा था तो आपने सोचा क्या करे, तो जानकर सर को सुन लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाला, जाइए भोजन करिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, यानी विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, आपने थोड़ा उसको चेंज कर दिया, विद्यार्थी वो जो विद्या की अर्थी उठा दे वो विद्यार्थी होता है, आधुनिक है ना आप, तो हाथ गुलगुल पांव गुलगुल। ठीक है, और ठास भोजन चाप निद्रा, यानी हाथ पैर मुलायम मुलायम, कभी जिंदगी में कोई सामान उठाया नहीं है, और ठास भोजन यानी कि एकदम गले तक खा के, और चाप निद्रा खूब सोने वाला ही विद्यार्थी कहलाता है। तो यही कलयुग का नया विद्यार्थी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।
फ्री में कोई नहीं पढ़ना चाहता, सबको पता है फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। अरे यहाँ पैसा बचाएंगे, ओजांग सर को तो बना लेंगे, उधर बहुत खर्चा हो रहा है। पहले 10 रुपये कैडबरी दे के बात चल जाती थी, आजकल सिल्क का प्रचार बहुत हो गया है, ठीक है, और आ रही महंगी हमें लगता है, तो ये बेचारे इधर उधर से पैसा काट रहे हैं, मास्टर का पैसा काट लो, पढ़ाई का पैसा काट लो, किताब दूसरी खरीद लो, किताब में क्या जरूरत है, कुंजी खरीद लेंगे, हो जाएंगे IAS। हाँ, कोई टेंशन थोड़े ना है, खर्चा उधर बहुत है, आजकल रिचार्ज बढ़ गया, जियो वाले भी आजकल जो है वो डाटा पैक का पैसा बढ़ा दिए हैं, तो भैया लोड बहुत आ गया, बजट बिगड़ गया है, ठीक है, इधर GST और धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही है, क्या बताया जाए, चलो कोई नहीं है, चलो ठीक है, तो गुरुकुल में स्वागत है, फॉर्म वॉर्म भर देना, मिल लेंगे, बतिया लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 299 बैच है, जिसकी किडनी ना बिक रही हो वो लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और RFR का बैच आपको पता है बहुत बड़ा इनोवेशन है, बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है, सज्जन लिख रहे गर्लफ्रेंड से रुपया मांग के दे रहे हैं। अरे भैया सब कुछ मांग लेना, ई मत मांगना नहीं तो पता चला जिसको तुम अपनी गर्लफ्रेंड कह रहे हो बड़ी समस्या हो जाएगी, उसी के साथ ही बर्तन धोओगे हैं तो चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हम भी कुछ भोजन वोजन कर लें।